अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और क्या हाल चाल है? अच्छा, आज आपको मैं एक बॉक्स है मीडिया सेट MS40 4X, ये इंतहाई कम कीमत में है। इसकी कीमत 7,000 रुपये है। इसमें फॉरएवर अपोलो सब कुछ है और ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल कमाडिश इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा व्हाट्सअप चैनल है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है, उसको भी फॉलो करें। तो ये एक रिसीवर है, आप देख सकते हैं मीडिया सेट का। मीडिया सेट MS4030 मेटल बॉडी में है। HEVC है, 265 सपोर्टेड है। वाईफाई डोंगल इसके साथ है। रिमोट कंट्रोल ये मेटल बॉडी में है और काफ़ी अच्छे फीचर्स इसके ऊपर हैं, ठीक है। और ये मेन फीचर्स की डिटेल भी आप इसकी देख लें। ये तमाम तो फीचर्स भी आप चेक कर सकते हैं। MS4030 4X है, फुल HD, HEVC है, 265 सपोर्टेड है। डायसिक 1.0 1.1, तमाम तो डायसिक सपोर्टेड है। और उसके अलावा पाल NTS का ऑप्शन है और वीडियो रेजोल्यूशन जो है 1080p 50 या 60 जो है वो सपोर्टेड है। और डायसिक 4 पोर्ट भी सपोर्टेड है, 16 पोर्ट भी सपोर्टेड है, 8 पोर्ट भी सपोर्टेड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ है, मैं अभी आपको इसके अनबॉक्सिंग भी करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि तमाम तो फीचर्स यूट्यूब ETC तमाम तो ओके। ये 4K अल्ट्रा HD लिखा हुआ है, तो ये बॉक्स 4K नहीं है। ये आपको बता दूँ, ऑल इन वन ऑडियो यानी कि Dolby सपोर्टेड है। तो चले हम अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैं आपको अभी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत पैकिंग है इसकी, और ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सेसरी निकाल के देखते हैं। ये इसके साथ एक HDMI केबल है, ये आप चेक करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इसके साथ एक जो है ये रिमोट कंट्रोल है, और रिमोट के अंदर ही वाईफाई डोंगल जो है इसकी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रिमोट भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद हम ये रिसीवर निकाल लेते हैं पैकिंग से। तो ये मैं आपको भी चेक करा देता हूँ, ये चेक करें, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मेटल बॉडी में है बॉक्स, ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश है। और बैक साइड पे LNB IN और 2 USB पोर्ट हैं इसमें। HDMI आउट, ऑडियो वीडियो ऑन ऑफ बटन है। ये नट वगैरह लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पे कोई सील नहीं है। ये पीछे से जो है ना लग के नहीं आई, बिल्कुल मेटल बॉडी। ये इसका सीरियल नंबर है बॉक्स का, ये चीज़ है। तो उम्मीद है मेरी ये अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल कमाडिश इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नए और पुराने रिसीवर की खरीद और फरोख्त के लिए भी आप मेरे साथ रابطہ कर सकते हैं। और भी मेरे पास काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, काफ़ी सारे बॉक्स हैं। अगर कोई भी आपको रिसीवर चाहिए तो वो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं आपको मीडिया सेट MS4030 4X की अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। LED स्क्रीन पर इसका रिव्यू भी करके दिखा देता हूँ। और इसके पीछे डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं इकोलिंक का भी मॉडल है। इकोलिंक और ये मीडिया सेट MS4030 ये सेम चीज़ है, ये चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलें, और भी मजीद डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में भी इन बॉक्स की देख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको LED स्क्रीन पे इसका रिव्यू करके दिखाता हूँ। बॉक्स अभी ऑन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश इसका जो डिज़ाइन है। ये तमाम तर फीचर्स आपके सामने हैं, मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले हम इस बॉक्स को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करेंगे ताकि इसके अंदर हिडन फीचर जो है वो शो हो जाए। और तमाम तर फीचर्स की डिटेल मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये बॉक्स अभी ऑन हो चुका है। और इंग्लिश लैंग्वेज हम जो है इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अभी इंस्टॉलेशन में आपको दिखा देता हूँ पैच मेन्यू। और पैच मेन्यू में ये तमाम तर फीचर्स ये आप देख सकते हैं। की वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसी तरह ग्रीन बटन प्रेस करना होगा तो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल काफ़ी आसान है, इसको आप कर सकते हैं। मज़ीद कोई मसला हो तो आप मेरे व्हाट्सअप पर रब्ता करें। इसके बाद ये ऊपर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, यहाँ भी पासवर्ड लगा हुआ है, 00 है इसका। एंटीना सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें तकरीबन कोई 43 सेटेलाइट ऐड हैं, ये अभी आप देख सकते हैं, बाकी भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये तमाम तो फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। डायसिक का भी ऑप्शन है, 1.0 है, 1.1 है, और स्कैन मोड, तमाम तो फीचर्स इसमें मौजूद है। तो अभी ये इसका मैनेजर है, यहाँ पे भी आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं और ये देख सकते हैं, ठीक है। सिस्टम सेटिंग अभी दिखा देता हूँ। अबाउट एस टी वी ये आप चेक करें। MS4030 4X है, इंतहाई कम कीमत में है, 6,500 रुपये इसकी कीमत है। और ये आप चेक करें, ठीक है। CHMX ऑप्शन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये USD ऑप्शन में वीडियो रेजोल्यूशन 1080p 50 है,
और ये तमाम तो फीचर्स देखें। सिस्टम सेटिंग्स मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। सिस्टम सेटिंग में भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। किसी ऑप्शन को ऑन रखना है ऑन रखें, ऑफ़ रखना है ऑफ़ रखें। और ठीक है, ये चीज़ है, अभी मैंने आपको इसकी तमाम तो डिटेल दिखा दी है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल कमोडिटी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये आप चेक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको नेटवर्क में ले चलता हूँ। नेटवर्क में भी ये तमाम तो फीचर्स हैं, यहाँ पे आप इनको आप केयरफुली रीड कर लें। और वाईफाई जो है ये बिल्ट इन नहीं है, वाईफाई एक्सटर्नल एंटीना आपको लगाना होगा, ये सर्च में आप चेक करें। ठीक है, एक्सटर्नल एंटीना लगाएंगे तो तमाम तो फीचर्स यहाँ पे शो होंगे। और इस बॉक्स के मुतालिक तमाम तो डिटेल आपके साथ शेयर की है। अगर आपके पास नए और पुराने रिसीवर हैं तो वो भी आप मेरे साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इस बॉक्स में चेक करा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन है, ये मैनेजर है, सिस्टम सेटिंग्स है, एक्सपेंशन, नेटवर्क और भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मौजूद हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दो में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।